वेलकम टू बॉलीवुड वाला, आई एम सोनू। दोस्तों, जब से मैंने गुलाबों सिताबों का अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होने वाला खबर सुना है, तब से मेरे मन में एक ही सवाल चल रहा है यार, व्हाई आर दिस फिल्म मेकर्स रशिंग टुवर्ड्स दिस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स टू गेट देयर फिल्म्स रिलीज्ड। ऐसा नहीं कि यार ये ओटीटी वाले फिल्म मेकर के पास भीख मांग के आए हैं फिल्मों को देने के लिए, उनके पास तो हजार ओटीटी कंटेंट है यार, हजार इंटरनेशनल कंटेंट है जो लोग हर दिन रिलीज करते हैं। एवरी डे एवरी एवरी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ ना कुछ तो नया रिलीज होता ही होता है, कंटेंट की कमी नहीं है उनके पास। सो द क्वेश्चन इज, व्हाई आर आवर फिल्म मेकर्स रशिंग टू रिलीज देयर फिल्म्स ऑन दिस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स? व्हाई द हरी, व्हाई द रश? यार ऐसा नहीं कि लॉकडाउन के बाद जब थिएटर्स खुलेगा तो लोग जाएंगे नहीं फिल्में देखने के लिए, ये लॉकडाउन ने कुछ लोगों का मेंटेलिटी बदला नहीं है यार। अभी जब हाल ही में शराब का दुकान खुला था, लिकर शॉप्स वर ओपन, क्या लोग गए नहीं शराब खरीदने के लिए? आज के तारीख में जब मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा सब बंद है, लोग घर पे बैठ के प्रे करते हैं ना, तो कल जब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च सब खुलेगा, क्या लोग तभी भी घर पे बैठ के प्रे करेंगे? नहीं ना, लोग तो जाएंगे जाएंगे। पीपल विल गो टू दिस रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस टू प्रे, दे विल नॉट सिट एट होम टू प्रे। सिमिलरली कल जब थिएटर खुलेगा लॉकडाउन के बाद, हम फैमिली के साथ दोस्तों के साथ भर भर के जाएंगे और लाइन लगाएंगे। तो व्हाई आर दिस फिल्म मेकर्स नॉट विलिंग टू वेट? तो मेरे हिसाब से एक ही एक्सप्लेनेशन होगा, आई फील ऑल दिस फिल्म मेकर्स जिनके फिल्म मतलब रिलीज होने के लिए कगार में खड़ा है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, आई थिंक ऑल दिस फिल्म मेकर्स परहैप्स आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट देयर फिल्म्स बिकमिंग सक्सेसफुल इफ रिलीज्ड इन थिएटर्स। उन लोग कॉन्फिडेंट नहीं अपने फिल्मों को लेकर, उन लोग कॉन्फिडेंट नहीं अपने फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिटर्न्स को लेकर, इसलिए उन लोग रिलीज करना चाहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि डिजिटल पे तो बॉक्स ऑफिस की बात बनता ही नहीं है, बॉक्स ऑफिस है ही नहीं। डिजिटल पे आप कुछ भी रिलीज कर दो वो तो हिट होना ही होना है, क्योंकि उसको हिट करार दिया जाता है। आप कोई भी फिल्म डिजिटल पर रिलीज करो, दो दिन बाद वो ओटीटी वाले प्रेस रिलीज छापेंगे, प्रेस रिलीज बांटेंगे, जिसमें यह बताया जाएगा कि फिल्म बहुत बड़ी हिट है, लोगों ने बहुत पसंद किया। अरे कौन से लोगों ने पसंद किया है? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे बॉक्स ऑफिस का कोई मेजर होता नहीं है जैसा थिएटर्स में होता है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट रहते अपने फिल्मों को लेकर, तो आप जरूर रुकते और जरूर आपके फिल्मों को सिर्फ और सिर्फ थिएटर में पहला रिलीज करते, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है आपके फिल्मों को लेकर। क्या रोहित शेट्टी कभी ओटीटी पर रिलीज करेगा? नहीं करेगा ना, बिकॉज इज कॉन्फिडेंट सूर्यवंशी विल डू वेल। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये जो भी फिल्में लाइन में लगा है ओटीटी पर प्रीमियर होने के लिए, ये वो फिल्में हैं जिसको लेकर उस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को पक्का पता है कि बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल कोई कमाल नहीं करेगा, इसलिए चलो ओटीटी पर ही रिलीज करते हैं, एटलीस्ट हिट का एक सर्टिफिकेट तो गारंटी मिलेगा ना हमको। दोस्तों, जाने से पहले सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहूंगा, 40 इंचेस के स्क्रीन और 40 फीट के स्क्रीन में जमीन आसमान का फर्क है। दैट्स इट फॉर मी फॉर द मोमेंट। सोनू सेज बाय बाय।